सर ये एक आज लेडीज़ सुबह हॉस्पिटल के अंदर पुलिस लाइन हॉस्पिटल के अंदर आई थी, सांस की ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो कोई हिस्ट्री नहीं थी, फीवर की नहीं थी, न खांसी थी, सांस की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, न बैठ पा रही थी न। तो मैंने इसको अर्जेंट इसको GLN रेफ़र किया था हॉस्पिटल से। फिर ये वहाँ से हॉस्पिटल से निकली, हॉस्पिटल के बाद ये वापस सोचा कि मैं घर जाके आऊँगी, फिर वापस मैं घर से चले जाऊँगी GLN। तो ये क्या घर से जाके खाना खा के आई तो, और वो ये शॉपिंग सेंटर के आसपास शास्त्री नगर में आके गिर गई और सांस पे ज़्यादा दिक्कत कर रही थी। तो अड़ोस पड़ोस में वापस कंट्रोल रूम में फ़ोन करा कि यहाँ पे एक लेडीज़ है जिसको सांस में दिक्कत आ रही है। तो इन्होंने 108 इनको कॉल किया, तब से वो लेडीज़। फिर मेरे वापस कंट्रोल रूम से फ़ोन आया था, तो मैं अचानक 11 बजे करीब फ़ोन आया था, तो मैं शास्त्री नगर में यहाँ देखा तो इसके रियल में यहाँ उसको दिक्कत आ रही है सांस में। और इसको मैंने कहा कि सुबह आपको रेफ़र किया गया था तो क्यों नहीं गए, तो कह रही थी मैं अकेली हूँ, मेरे को कोई ले जाने वाला नहीं है। और 108 को इन्होंने कॉल कर दिया था तो अभी तक नहीं आई थी, तो ये बहुत परेशान है। तो हमने कंट्रोल रूम का कहा है, तो कंट्रोल रूम वालों ने कहा कि अभी आ जाएगी गाड़ी। क्या लग रहा है तो कोरोना को लेकर अब ये नहीं, इसमें देखो न तो इसको फीवर की हिस्ट्री आ रही है, न खांसी की इतनी आ रही, पर इसके सांस फेफड़ों में ज़्यादा दिक्कत आ रही, सांस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो अचानक इसलिए मैंने भेजा था, कहीं वो तो कह नहीं सकते, अभी तो कहना बड़ा मुश्किल है, जब तक बिना जाँच के कह नहीं सकते, तो जाँच करानी चाहिए। तो मैंने भेज दिया था GLN इसको रेफर किया।